पाकिस्तान के लाहौर की परवीन जहां को मिली भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र 12 साल पहले यूपी के रामपुर के जावेद से हुआ था निकाह। इलाहाबाद में यूजीसी नेट की परीक्षा के छात्रों ने बहिष्कार किया। एसपी कॉन्वेंट कॉलेज में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अपना दल प्रवक्ता हेमंत चौधरी का यूपी के डिप्टी सीएम पर आरोप। केशव प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी के नेताओं से अनर्गल बयान दिलवाते हैं। बरेली की मुस्लिम महिलाओं ने सरकार से इंसाफ की मांग की। हलाला, बहुविवाद और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बने। यूपी की सड़कों पर अब रोडवेज की खटारा बसें नहीं चलेंगी। योगी सरकार इन बसों की जगह मॉडर्न बस चलाने की तैयारी में। यूपी के मऊ में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप। शिविर में यात्रा के दौरान आने वाले समस्याओं से निपटने की जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। सड़कों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। देहरादून में हरीश रावत की मैंगो पार्टी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। कांग्रेस की गुटबाजी फिर दिखी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह नहीं आए। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में इंडिका कार में लगी आग। कांकेर रोड की घटना, कोई हताहत नहीं। एमपी के मंदसौर में 40 मिनट की बारिश में नगर पालिका के दावे की पोल खुली। शहर में जगह जगह पानी भरा। एमपी के खडवा में सड़क हादसे में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का सड़क पर प्रदर्शन। भोपाल में सीएम हाउस से निकला जहरीला रसल्स वाइपर सांप। नगर निगम के कर्मचारियों ने सांप को पकड़ा। चीफ बिपिन रावत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान रेफरेंस लाइब्रेरी से गुम हुए दस्तावेजों की जांच का भरोसा दिया। पत्रकारों के सवाल पर आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकी के लिए के हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। नियंत्रण के लिए बनी नीति जल्द सामने आएंगे परिणाम।